हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम एट नीट स्टडी पॉइंट। एक बार फिर से आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ, बहुत सारे बच्चे एनिमल डाइवर्सिटी से बहुत डरते हैं, उनको एनिमल डाइवर्सिटी याद नहीं होती है। तो आज हम एक वीडियो ले आए हैं जिसमें 40-50% क्वेश्चन बस इसी वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी को, ठीक है? एनिमल डाइवर्सिटी एनिमल डाइवर्सिटी में सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट फाइलम की बात कर चुके हैं, और फिर भी बस देख लेते हैं। पहले हम लोग पहला फाइलम, हम लोग मतलब इंपॉर्टेंट फाइलम की बात करें अगर हम लोग फाइलम या फाइला बोल दें इंपॉर्टेंट फाइला, तो देखिए पहला है आपके पास प्रोटोजोआ, फिर दूसरा आता है पॉडीफेरा, तीसरा आता है सिलेंट्रेटा, और चौथे की बात करें तो टीनोफोरा, पांचवा प्लैटी हेलमिन, छठा एसके हेलमिन, सातवां एनेलिडा, आठवां आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर अगर बात करें हम लोग तो इकाइनोडर्माटा, और फिर कॉर्डेटा। ये फाइलम्स को हम लोग को पढ़ना है। तो ठीक, देखेंगे हम लोग कि मतलब देखिए आज की इस लेक्चर से आपके एक तो यहाँ से यहाँ तक आपको याद होनी चाहिए, दूसरी चीज़ की आप 40% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाए। सबसे पहले बात हम लोग जानते हैं पी से प्रोटोजोआ, और इसका जो मतलब ये कैसे दिखता है तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। फिर ये पॉडीफेरा, ये सिलेंट्रेटा, ऐसे हम लोग एक करके पूरा कैरेक्टर को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, ठीक है? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एक चार्ट से हम लोग जो 10-11 फाइलम जो हम लोग पढ़े उसका सारा देख लेंगे, कौन किस चीज से बना हुआ है, कौन सेल से बना हुआ है, कौन टिश्यू से बना हुआ है, कौन ऑर्गन से बना हुआ है, उस तरह की बातों को हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अभी सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किस में पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, देखिए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल किस में पाया जाएगा, प्रोटोजोआ में, ठीक है? जो आपका प्रोटोजोआ है वो कैसा उसका बॉडी है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है, ठीक है? प्रोटोप्लाज्मिक। अब दूसरा बात करें प्रोटोप्लाज्मा की, इस बात करें हम लोग सेलुलर लेवल की, कौन सेलुलर लेवल को शो करेगा उसकी बात करेंगे, सेलुलर लेवल को कौन शो करेगा। देखिए सेलुलर लेवल शो करेगा सिर्फ आपका एक फाइलम जिसका नाम है पॉडीफेरा, तो पॉडीफेरा जो पॉडीफेरा फाइलम पढ़ेंगे उसके जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी होंगे उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर लेवल मतलब सेल का ही होगा, एक सेल ही होगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे टिश्यू लेवल की, ठीक है? टिश्यू से कौन बना होता है, ठीक है? टिश्यू लेवल की बात करें अगर हम लोग तो टिश्यू लेवल की याद रखने का एक तरीका है सीसी, जो भी जो फाइल हम लोग पढ़ते हैं सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सीसी वाले, ये हर जगह आपको थोड़ा सा मतलब कुछ जो भी करेंगे साथ ही करते हैं। जैसे आप यहाँ टिश्यू लेवल दिखा रहे हैं तो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, तो ये थोड़ा स्पेशल टाइप का है, इनको याद रखना आसान है, जो भी कुछ अलग होगा वो ये दोनों सो जरूर करता है। तो जैसे टिश्यू लेवल साथ साथ रहेगा ये सी वाले सिलेंट्रेटा टीनोफोरा। उसके बाद हम लोग ऑर्गन लेवल की बात करें तो, ठीक है, ऑर्गन लेवल की बात करें कि ऑर्गन लेवल कौन शो करेगा उसकी बात करें तो बस एक फाइलम है, ठीक है? एक फाइलम है जिसका नाम है प्लैटी हेलमिन,
ठीक है, बस एक फाइलम है जो आपको कैसा लेवल दिखेगा उसको ऑर्गन लेवल, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल कौन शो करेगा, रेस्ट ऑफ ऑल जितना सारा बच गया है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल को शो करेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम होगा। जितना ही बच गया एस के हेलमिन टू क्वार डेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एस के हेलमिन टू क्वार डेटा, ये सारे क्या शो करेंगे, ये शो करेंगे आपके लिए ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? देखिए जैसे कि जो प्रोटोजोआ है उसका बॉडी कैसा होगा, प्रोटोप्लाज्मिक होगा। जो पॉलीफेरा है स्पॉन्ज है उसका बॉडी लेवल कैसा होगा, सेलुलर लेवल, सेल उसमें प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सेल नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल प्रेजेंट होगा। अब देखिए टू बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू लेवल कहाँ देखने को मिलेगा, सेलिन डाटा एंड टीनोफोड़ा में, ठीक है। अब उसके बाद बात करें हम लोग टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन क्लैटी हेलमेंट केवल एक ही फाइलम है जिसको आपको याद रखना है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एस के हेलमेंट टू क्वार डेटा। तो ये चार्ट आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे जितने भी 11 फाइलम हमने पढ़े हैं उसका सारा एक कंसाइज करके मैंने स्टार्ट में दिया है, जो आपको इससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री के बारे में बात करेंगे हम लोग, सिमेट्री देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट है वो सिमेट्री, सिमेट्रिक है तो मतलब किसी भी सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि मतलब उसको हम सेंटर से पास करते हुए कट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री आपको तीन तरह का देखेंगे, ठीक है। सिमेट्री कितने तरह का हो जाएगा आपके पास, सिमेट्री तीन तरह के देखने को मिलेंगे, आप पढ़ेंगे हम लोग सिमेट्री में। आप देखिए पहला ए सिमेट्री का, ए सिमेट्री का दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम होगा रेडियल सिमेट्रिकल, रेडियल, फिर तीसरा बाइलेटरल। तीन तरह का सिमेट्री पढ़ेंगे हम लोग बाइलेटरल। तो एक एक करके देखिए तीन तरह का सिमेट्री पढ़ेंगे और उसके एग्जांपल विद ट्रिक के साथ हम लोग याद करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिमेट्री को, सिमेट्री को याद कर जाते हैं। सिमेट्री में आप सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे, पहला जो पढ़ेंगे हम लोग ए सिमेट्रिकल, ए सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग कैसे भी काट लें लेकिन वो बराबर दो हिस्सों में नहीं बटी, तो ऐसे मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म बोलो क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल। मतलब कि उसको कैसे भी काटें आप, जैसे कि आप मान के चलिए ये आपका ये क्या है आपका अमीबा का शेप है, इसको ये अमीबा का शेप है, तो ये इसको कैसे भी काट दीजिए आप, ये आपको इक्वल हाफ में बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिमेट्री है, ठीक है, एसिमेट्री है, एसिमेट्री है। अब आगे हम लोग बात करते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन व्हेन एनी प्लेन पासिस थ्रू सेंटर, एक बात ध्यान रखेंगे कि सेंटर से पास करना है, सेंटर पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर does not divide equally। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे एनिमल जो जिसको हम किसी भी प्लेन से सेंटर से पास करके इक्वल हाँ में नहीं बांट सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल कहलाएगा ये, एसिमेट्रिकल कहलाएगा। तो आप इसका एग्जांपल आपको एक ही है वो याद रखना है, एग्जांपल इसका आता है एसिमेट्रिकल पॉलीफेरा। जो फाइलम हम लोग पॉलीफेरा पढ़ते हैं उसका सिमेट्री कैसा होता है, पॉलीफेरा मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं कि टू इक्वल्स हाफ में नहीं बांट सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में आ जाएगा स्पॉन्ज, स्पॉन्ज साइफा, इस तरह के एग्जांपल में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री, जो अपना नेक्स्ट है वो है बाइलेटरल सिमेट्री,
बाइलेटरल सिमेट्री। देखिए बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है कि मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम टू इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, उसके सेंटर से काट करके राइट और लेफ्ट टू इक्वल हाफ में बांट सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे बाइलेटरल। ठीक है, बाइलेटरल। जैसे हम जैसे अगर इसका सिंपल से एग्जांपल देखें तो ह्यूमन ही है, जैसे कि हम अपने आप को ही देखें तो हम इस पार्ट से ऐसे कटे तो मतलब टू इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ सकते हैं, इसको लिख लें। डेफिनेशन कैसे लिखें इसका, डेफिनेशन लिख लें इसका, बॉडी डिवाइडेड, सिंपल से लिख लें, बॉडी डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट हाफ। ठीक है, बॉडी को हम लोग लेफ्ट या राइट, बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इनटू इक्वेट इसको थोड़ा सा यहाँ पे इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट हाफ। ठीक है, राइट। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, डेफिनेशन हुआ तो अब इसका एग्जांपल देखेंगे हम लोग। हम मेन चीज अब इस चीज में है एग्जांपल। देखिए एग्जांपल, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, प्लैटी हेलमेट टू लेगा। ये प्लैटी हेलमिंथ हुआ, एसके हेलमिंथ हुआ, एनालिटा हुआ, आर्थ्रोपोडा हुआ, ये सारे कैसे शो करेंगे, ये शो करेंगे आपका क्या, इसका सिमेट्री क्या शो करेगा, बाइलेटरल सिमेट्री। अब लास्ट पढ़ते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री की बात करेंगे, अगर हम लोग तो रेडियल सिमेट्री को देखते हैं। तीसरा है अपने पास रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा ना कि मतलब किसी भी प्लेन से काटिए वो इक्वल हाफ में ही बटेगा। जैसे मान के चलिए कि आपके पास ये क्या है, एक फुटबॉल है। ठीक है, वो फुटबॉल, ये क्या आपका फुटबॉल है, फुटबॉल है। चाहिए आप इसको ऐसे काटिए तो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, चाहे आपको ऐसे काटिए तो एक ऊपर एक नीचे इसमें बढ़ जाएगा, चाहे ऐसे काटिए तो एक राइट एक लेफ्ट में बढ़ जाएगा। तो ऐसे मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस कट को इस तरह जो मतलब किसी भी प्लेन से इक्वल हम बढ़ जाए उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल। ठीक है, रेडियल। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर तो इसको हटाते हैं, उसका एग्जांपल भी याद करने हैं हम लोग को। व्हेन देखिए रेडियल सिमेट्री में क्या लिखना है हम लोग को, व्हेन एनी प्लेन पासिस थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल्स हाफ। ठीक है, व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ। ठीक है, जैसे कि आप मैंने आपको फुटबॉल का एग्जांपल लेके बताया कि ऐसे काटिए कैसे भी काटिए वो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग, ऐसे सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे, इसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बहुत आसान है, एग्जाम्पल स्पेशल है, एग्जाम्पल में बहुत आसान हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों सीसी वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सिलेंटेटा टीनोफोरा, ये दो आप याद तो रखेंगे ही, और एक आप और याद रख लें इकाइनोडर्मेटा। जो टीनोफोरा के जो मेंबर होंगे, जो सिलेंटेटा मेंबर होंगे, ये कैसे सिमेट्री को शो करेंगे, ये रेडियल सिमेट्री को। तो आप देखिए हम लोग तीन सिमेट्री में क्या क्या पढ़े, एसिमेट्री जिसको इक्वल हाफ में नहीं बांटा जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। दूसरा
बाइलेटरल, बाई मतलब दो होता है, उसको मतलब बीच सेंटर से काटे तो राइट और लेफ्ट दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाए, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन का जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल है, ठीक है। और तीसरा बात करें तो रेडियल, रेडियल सिमेट्री क्या है कि कहीं कैसे भी काटिए उसको, किसी भी प्लेन से काटिए, और लेकिन कंडीशन ये है कि सेंटर से आपका एक्सिस पास होना चाहिए, और कैसे भी काटिए वो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो सिमेट्री है उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद करने का तरीका कि केवल ए सिमेट्री जो दिखता है, ए सिमेट्री केवल आपको कहाँ दिखेगा, एक फाइलम है जिसका नाम है पोडीफेरा, मतलब केवल पोडीफेरा के मेंबर्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो कौन सा सिमेट्री शुरू करता है, ए सिमेट्री का शुरू करते हैं। दूसरा रेडियल सिमेट्री, देखिए रेडियल सिमेट्री की बात करें तो रेडियल सिमेट्री के लिए मैंने आपको क्या कहा कि सीसी वाले, ये जो टीनोफोड़ा और सिलेंडेटा के मेंबर्स हैं, ये जो टीनोफोड़ा सिलेंडेटा के मेंबर है ना, ये शो करते हैं रेडियल सिमेट्री को, और रेस्ट ऑफ ऑल बाकी जितने भी बच जाते हैं तो वो क्या किसमें आ जाएंगे, बाइलेटरल में, जैसे कि एनालिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, तो इस तरह के जो फाइलम है ये सारे फाइलम किसमें आएंगे, वो आएंगे आपके बाइलेटरल सिमेट्री में। तो अब हम लोग आइए जर्म लेयर के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं जर्म लेयर क्या है। जर्म लेयर, ये आपको दो तरह से हम लोग देखते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायो के कितने भी मतलब वीक स्टूडेंट हो उसको ये बात तो समझ में आ ही जाती होगी कि डिप्लो मतलब दो होगा, या कुछ किसी दो चीज की बातें होगी, ट्रिप्लो यहाँ तीन चीज की बात होगी। तो उसी तरह देखते हैं, लेकिन जर्म लेयर तीन मतलब जर्म लेयर जो होते हैं वो तीन लेयर से बने, एक्टो, मीजो एंड इंडो, ठीक है। एक्टो, मीजो, इंडो, मान लीजिए कि ये लेयर है तो इस तरह से देखिए, मतलब ये बाहर वाला एक्टो कहलाएगा, एक्टो, ये मान लीजिए मीजो, ये इंडो, तीन जर्म लेयर होते हैं। इन्हीं तीन जर्म लेयर से अपनी बॉडी जनरेट होती है। तो अब कौन किससे बनता है, देखिए इसमें कम से कम दो चीज़ तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, जैसे आप ये आपको डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा कि एक्टो और इंडो से बनेगा, जो भी ऑर्गन बनेगा आपका एक्टो प्लस इंडो, इसमें दो लेयर देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंडोडर्म, एक्टोडर्म और इंडोडर्म देखने को मिलेगा। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होंगे वो दो लेयर से बने होंगे, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लो मतलब तीन, ट्रिपल तीन, तो यहाँ तीन लेयर देखेंगे, जैसे कि एक्टो भी देखने को मिलेगा आपको, एक्टोडर्म भी देखने को मिलेगा, मीजोडर्म भी देखने को मिलेगा, प्लस इंडोडर्म भी देखने को मिलेगा आपको। यहाँ तीनों लेयर पार्टिसिपेट करेगा, तीनों जर्म लेयर पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ दो लेयर पार्टिसिपेट करेगा। अब हमको इस फिर इसका एग्जाम्पल याद रखना है, तो बहुत ही आसान है, ये मैंने आपको कहा था ये सी सी वाले थोड़ा सा स्पेशल टाइप के हैं, जहाँ भी रहते हैं साथ रहते हैं, जनरली देखेंगे आप दोनों साथ साथ में, और डिप्लोब्लास्टिक और ये थोड़ा पहले हैं, मतलब प्रिमेटिव है, इतना इसका बॉडी वेल डिफ्रेंशिएट नहीं है कि आपको एक्सक्रेटरी ऑर्गन दिखेगा या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखेगा, कुछ भी, मतलब प्रिमेटिव है, स्टार्टिंग के और ऑर्गेनिज्म है। तो देखिए इसका एग्जांपल आप दो हैं, याद रखेंगे सिलेंडेटा, सिलेंडेटा के मेम्बर होंगे इसमें, और टीनोफोड़ा के मेम्बर आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और बाकी अब जो बच गए, अब वो जो बच गए वो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आ जाएंगे, जैसे कौन कौन, एग्जाम्पल आ जाएगा प्लैटी हेलमेंट टू, प्लैटी हेलमेंट टू क्वाड्रेटा, प्लैटी हेलमेंट से क्वाड्रेटा के सारे मेंबर आपको क्या से देखने मिलेंगे, ट्रिप्लो ब्लास्टिक देखने को मिलेंगे, ठीक है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक देखने को मिलेंगे। अब आइए हम लोग ये जर्म लेयर आप समझ गए होंगे किसको हम डिप्लो ब्लास्टिक बनेंगे, किसको ट्रिप्लो ब्लास्टिक, किसी ऑर्गेनिज्म का दो ही लेयर से बना हो तो वो डिप्लो ब्लास्टिक कहलाएगा, अगर वो तीन लेयर से बना होता है तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाएगा। तो दो लेयर से कौन कौन बना हुआ है, सिलेंडेटा एंड टीनोफोड़ा, तीन लेयर से कौन कौन बना हुआ है, प्लैटी हेलमेंट टू क्वाड्रेटा, प्लैटी हेलमेंट, एसके हेलमेंट, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड कोर्डेटा, ये सारे किसी से बने हुए हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, तीन लेयर से बने हुए हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी कैविटी या सिलोम के बारे में, बॉडी कैविटी या सिलोम, इसी को सिलोम बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी कैविटी या सिलोम होता क्या है, इसका डेफिनेशन कर देखते हैं फिर आगे प्रेजेंस ऑफ बॉडी कैविटी, प्रेजेंस बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी तो होना होगा लेकिन कहाँ से कहाँ वो भी डिफाइन है, किस जगह से कहाँ तक देखने को मिलेगा, बिटवीन बिटवीन द बॉडी वॉल, द बॉडी वॉल बिटवीन बॉडी वॉल टू गट वॉल, वॉल एंड गट वॉल, गट वॉल, ये आपको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बॉडी कैविटी या सिलोम। जैसे हम लोग भी, जैसे अगर हम लोग देखें तो गट वाल कहें तो जैसे ओसोफेगस जो गट से है वो वहाँ से, और आपके मतलब बॉडी कैविटी ये जो स्पेस है जहाँ पे आपका हार्ट लंग्स, हार्ट लंग्स प्रेजेंट है वो कैविटी है, इसीलिए हम लोग भी सिलोम, सिलोमेट हैं, सिलोम मेट है क्योंकि हम लोग की मतलब बॉडी कैविटी पाई जाती है। आइए इसको फिर फर्दर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सिलोमेट या सिलोम कितने तरह के आपको देखने को मिलेगा। सिलोम आपको तीन तरह के देखने को मिलेंगे और उसके भी एग्जांपल हम लोग फिर से याद करेंगे। सिलोम आपको तीन तरह का देखने को मिलेगा, जिसमें सिलोम पाया जाएगा उसको सिलोमेट बोलेंगे, ठीक है, जिसमें सिलोम पाया जाएगा उसको सिलोमेट बोलेंगे, इसका सिलोमेट, सिलोसिलोमेट और ए सिलोमेट। सबसे पहले देखेंगे ए सिलोमेट को, ए सिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं पाया जाए उसको ए सिलोमेट। एक ऐसे भी हैं जिसमें सिलोसिलोमेट होते हैं, वो स्यूडो टर्म यूज होता है, इसके लिए स्यूडो टर्म इसके लिए यूज होता है, एक्चुअल में वो है नहीं लेकिन वो फिर भी आपको लगता है स्यूडो, मतलब से नकली या फिर दिखावा, स्यूडो सिलोमेट, सिलोमेट आपके पास लास्ट में आता है सिलोमेट। डेफिनेशन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप लोग देखेंगे कौन किस में आता है, उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सिलोम, सिलोम तीन तरह के, ए सिलोमेट, सिलो सिलोमेट और सिलोम, जिसमें सिलोम सॉरी जिसमें बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं पाई जाती हो उसको हम लोग ए सिलोमेट कहेंगे और जिसमें पाई जाती है उसको सिलोमेट कहेंगे। एक ऐसा स्पेशल टाइप का फाइलम है जो सिलो सिलोमेट को शो करता है। सिलो सिलोमेट क्या होता है कि पेयर ऑफ पैचेस देखने को मिलेंगे, जो जो मीजोडर्म है वो कम्प्लीटली प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पैचेस के रूप में प्रेजेंट है। तो ठीक है, तो आइए एग्जांपल देखते हैं ए सिलोमेट का, एग्जांपल क्या क्या कौन को शो करेगा। ए सिलोमेट को शो करने वाले हैं आपके पास पॉलीफेरा, पॉलीफेरा सिलेंड्रेटा, अब सी वाला आया तो दोनों साथ में ही रहेगा, पिनोफोरा फिर प्लैटी हेलमेंट्स, ये चार जो है ये आपको किस तरह इसका मतलब कैसा सिलोम है, इसका ए सिलोमेट एनिमल्स है, ये लोग ए सिलोमेट एनिमल्स है जिसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें हम लोग, तो अब देखिए सिलो सिलोमेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम स्टार लगाएं तो थ्री स्टार दे रहे हैं, थ्री स्टार तो कम पड़ जाता है, फाइव स्टार सेवन स्टार भी चलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल एस के हेलमिन शो करता है सिलो सिलोमेट को, एस के हेलमिन, एस के हेलमिन जो जो मेम्बर्स हैं उसका जो सिलोम है वो कैसा होता है, वो सिलो सिलोमेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सिलो सिलोमेट को कौन शो करता है, तो एस के हेलमिन शो करता है। अब देखिए इसके बाद जितने सारे बच जाते हैं वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे सिलोमेट, जैसे कि एनेलिडा है, एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा है, मोलस्का है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, क्वाड्रेटा है, जस्ट ऑफ जो बच जाता है यहाँ से वहाँ पे आपको सिलोम, ये आपको याद आसानी से हो जाएगा। ये स्टार्टिंग के जो पहले चार फाइलम है वो ए सिलोमेट है, उसमें कोई सिलोम प्रेजेंट नहीं है, कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, और एक स्पेशल टाइप का आपके पास सिलोमेट है जिसका नाम है सिलो सिलोमेट, जिसको सिर्फ एक फाइलम शो करता है जिसका नाम है एस के हेलमिन। एस के हेलमिन का ही दूसरा नाम होता है राउंड वर्म, ठीक है, इसका दूसरा नाम है राउंड वर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने प्लैटी हेलमेट लिखा है इसको दूसरा नाम होता है इसका फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म, ऑप्शन में राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, जैसे कि अगर आपको राउंड वर्म ऑप्शन में मिले तो इसको मार सकते हैं, यही दूसरा नाम इसी का है, ऐसा नाम सोचेंगे
ये तो बताया ही नहीं गया, बस एक फाइल में बताया गया था। ठीक है, तो ये आपको हो गया। अब सिलोमेट की बात तो कर ही लेगी, बाकी रेस्ट ऑफ सिलोमेट देखने को मिलेगा आपको। अब देखिए, हम लोग बात करेंगे सर्कुलेशन की। बॉडी में खून किस तरह से दौड़ती है या दौड़ता है उसको, उसकी बात करेंगे। बॉडी में खून कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कैसे कोई मतलब रास्ता वास्ता है कि नहीं है, क्या है, उसकी बात करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या है अपना सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह से है, दो तरह का होता है। एक होता है ओपन टाइप का, एक होता है क्लोज टाइप का। एक होता है ओपन टाइप, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दो तरह से देखेंगे आप लोग। एक है, आपके पास पहला है ओपन। ओपन देने का मतलब क्या है कि देखिए, बॉडी जो ब्लड जो है वो बॉडी में किसी भी मतलब कहीं पे भी घूम रही है, उसके लिए कोई स्पेशल कुछ नहीं है, बॉडी कैविटी में ही घूम रही है। ठीक है, जैसे बॉडी कैविटी, मान के चलिए जैसे कि अपने बॉडी में जो ब्लड बह रहा है वो एक क्लोज पाथ में बह रहा है, जैसे कि वेंस में बह रहा है, आर्टरीज में बह रही है, और उसके बाद वेंस में, कैपिलरीज में। ये सारे स्ट्रक्चर आपके पास कैसे हैं, ये मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ब्लड बह रहा है, मतलब कहीं बॉडी के अंदर जैसे कि नहीं बह रहा है, बॉडी ब्लड बह रहा है अपना एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में, तो जैसे क्लोज पाथ में बह रहा है। जैसे कि अपना जो यहाँ पे देखें तो अपना ब्लड बहता किस में है, वेंस में। वेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, मतलब देखिए ये वेंस में पाइप में बहता है, यहाँ पे क्या है, इसमें ब्लड है, ब्लड है, और ब्लड बह रही है कहाँ पे, इस क्लोज पाइप में ही बह रही है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और देखिए ओपन में क्या होगा कि जैसे कि कोई एनिमल है, ठीक है, उसका एनिमल इसमें कोई क्लोज पाथ नहीं बना, मतलब कहीं भी पूरे बॉडी में कहीं पे भी घूम रही है ब्लड। ठीक है, मतलब ब्लड कहीं पे भी घूम रही है। अब देखिए ब्लड कहीं पे भी, ये ओपन टाइप का कहलाता है। ठीक है, ये ओपन टाइप हुआ जिसमें कोई पाथ नहीं डिफाइन है उसका, पूरे बॉडी कैविटी में ब्लड घूम फिर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें क्लोज पाथ में घूम रही है, जैसे वेंस आर्टरी में घूम रही है, ऐसे को हम लोग बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आप बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे किसको क्लोज बोलेंगे और किसको ओपन बोलेंगे। ओपन मतलब कि कोई इसका पाइप लाइक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ओपन पूरे बॉडी में बह रही है, कहीं पे भी बह रही है बॉडी में। ठीक है, और क्लोज में क्या होगा कि वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर में, क्लोज स्ट्रक्चर में बहेगा। आइए इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसको देखेंगे हम लोग। अब अगर हम लोग याद करना चाहें तो देखिए, इसको याद कर ले तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब तक यही करते आए हैं कि एक को याद कर दूसरा ऑटोमेटिक याद होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। हम इसको याद किए हैं माही से। ठीक है, माही, ये मेरा ट्रिक है याद करने का। माही जो महेंद्र सिंह धोनी है उसके नाम से याद कर रखा है मैंने इसको। एम से हो जाएगा यहाँ पे मोलस्का, मोलस्का। ए से आपको ध्यान रखना है आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। और एस से हेमिकोडेटा, और ई से इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो ये चार आपको फाइलम याद रखना है। तो ये हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा, मैंने इसको माइंड से याद रखा है, आप लोग भी याद सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोग यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि आपने जो भी फाइलम पढ़ा उसमें दो बार ए आता है, एक आता है एनलिडा में, एक आता है ऑर्थोपोडा में। तो आपको ध्यान रखना है ये ऑर्थोपोडा है, ठीक है, एनलिडा नहीं है। माही में एनलिडा ना जोड़ क्या है, ठीक है, ऑर्थोपोडा में आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ ऑल है तो आपको जैसे कि एनलिडा, देखिए मेन चीज़ है ए वाले को सी पढ़ा करते हैं, एनलिडा है, एनलिडा है, इसको छोड़ जितना भी सारा है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते देखते हैं कैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अपना जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी दो तरह के होते हैं।
ये भी दो तरह के, इनकम्प्लीट और कम्प्लीट। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट, और एक होता है कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पहले समझते हैं क्यों इनकम्प्लीट कहते हैं, क्यों कम्प्लीट कहते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए जैसे कि अब हम लोग पहले खुद से एग्जांपल लेते हैं, हम जैसे कि हम लोग ह्यूमंस में होता ये है कि मतलब खाना खाने के लिए एक ओपनिंग है जिसको माउथ कहते हैं, ठीक है, और खाना एक्सक्रीटर को बाहर करने के लिए एक ओपनिंग है जिसको एनस कहते हैं। मतलब ये क्या है ना कि इसमें इसमें सिंगल ओपनिंग होगा, इनकम्प्लीट में क्या होगा, सिंगल ओपनिंग होगा। जैसे मान लीजिए यही ओपनिंग है इस एनिमल, यहीं से क्या कर रहा है कि खाना खा भी रहा है, यहीं से एक्सक्रीटरी मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल भी रहा है। एक ही ओपनिंग है, खाना खा रहा है निकाल रहा है, सिंगल ओपनिंग इसमें देखने को मिलेगा। और कंप्लीट में क्या होगा कि कंप्लीट में जैसे ना कि हम लोग में क्या होता है, देखिए कंप्लीट में मौत पर हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये अपना ओसोफेगस है, स्टमक है, फिर इसका कुछ कुछ है, फिर इंटेस्टाइन है, ऐसे करते 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 फिर हम लोग ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया ये, फिर ऐसे रेक्टम, फिर यहाँ पे एनस। देखिए ये क्या पार्ट है आपके पास, माउथ है, खाना खाने के लिए आपके पास माउथ है और एक्सक्रीटा को बाहर करने के लिए एनस है, ठीक है, एनस है। देखिए ये क्या हुआ, खाना खाने के लिए अलग पार्ट और वेस्ट चीज को बाहर करने के लिए अलग पार्ट। तो ऐसे जिसका टू ओपनिंग हो, दो ओपनिंग हो, माउथ और एनस प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उस एनिमल का कंप्लीट डाइजेस्टिव। जैसे हम लोग का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव में क्या होगा कि एक ही ओपनिंग होगा, वहीं से खाना भी खाएगा, वहीं से वो मतलब बाथरूम भी करेगा। जैसे देखिए तो सिंपल ही बात करें तो, अब देखिए एग्जाम्पल याद रखना है, यहाँ पहली बार थोड़ा सा हम लोग का जो हम लोग बार बार बोलते आते हैं कि सी सी शांत रहेगा, वो थोड़ा सा यहाँ पे सी सी शांत छोड़ रहा है, उसकी बात करें तो नहीं शांत तो नहीं छोड़ेगा, देखते हो फिर शांत तो नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा इनकम्प्लीट है, हाँ ये आपके पास सिलेंडर डेटा, सिलेंडर डेटा तीनों फोड़ा दोनों जगह शांत होगा, ये तीनों फोड़ा, फिर होता है प्लैटी हेलमेंट्स, प्लैटी हेलमेंट, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात कर लें, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लें, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ नहीं होगा, रेस्ट ऑफ ऑल जो बाकी बचेंगे वही हो जाएंगे एस के हेलमेंट टू कॉर्डेटा। तो यहाँ पे आप जो आपको बेसिक बेसिक चीजें थी जो डाइवर्सिटी में बहुत जगह यूज होगा, हर फाइलम में हम लोग इसकी बात करेंगे कि इस फाइलम का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, इस फाइलम का डाइजेस्टिव सिस्टम कम्प्लीट है, फिर बहुत सारे हम फाइलम की बात करेंगे, इसमें ओपन सर्कुलर सिस्टम है, इसमें क्लोज सर्कुलर सिस्टम है, इस तरह की बातें करते हैं हम लोग। तो आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, अगर ये आपको याद है तो एनिमल डाइवर्सिटी के 40% पार्ट्स आप कवर कर चुके हैं, 40% क्वेश्चन भी आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं केवल इस लेक्चर से। तो यहीं पे आज अपना लेक्चर ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट फाइलम की बात करेंगे, फाइलम पे आएंगे फिर बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू।